हे एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम यू ऑल ऑन एंग्लर जोन। एंड आज हम बात करने वाले हैं वन लाइनर फैक्ट रिलेटेड टू जॉन मिल्टन। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस सेशन में, और जो अभी तक के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं दैट इज रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर। एंड आज का वीडियो हमारा जॉन मिल्टन से होगा। आगे आने वाले वीडियोस में आप और इम्पोर्टेंट राइटर्स और इम्पोर्टेंट पोएट्स, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस चैनल एंग्लर जोन पे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो वहां पे हम सब डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू देम। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। इसमें जो हम फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू हिज लाइफ, एंड हियर दिस इज इंग्लिश 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन was born in 1608 and died in the year 1674. So overall अगर हम जॉन मिल्टन की लाइफ एंड उनकी डेथ की बात करें तो 1608 से लेकर के 1674 का जो टाइम है वो जॉन मिल्टन का टाइम ड्यूरेशन है, और ही वॉज द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिक पोएम लिखी है, दैट इज कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट, एंड दिस इज द मैग्नम ओपस वर्क ऑन द जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन। Moving on to the next one fact we have here, Ode on the Morning of Christ's Nativity. This is the work जो कि 1629 में लिखी गई है, is a poem that was composed by John Milton. But इसका publication की बात करें तो publish हुई है ये, that is in 1645. Yes, 1645 में ये work इनका publish हुआ है, और जिसपे ये publish हुआ था collection था that was the poems of Mr. John Milton. Next बात करते हैं हम important fact. Lycidas, it is a poem by John Milton, is a volume of elegies published in 1638. 1638 का ये में publish हुई है to commemorate the death of his friend, his colleague that was Edward King. And here we have the another one that is related to the education of John Milton, and he was educated at Christ College, Cambridge. Milton, due to his delicate features, was known as the lady of Christ. Yes, because Milton has a great face, he has a delicate and very cute face, and because of that unko jo Christ College mein jab wo padhte the Cambridge University mein, to because of his delicate features he was famous, he was known as the lady of the Christ. So agar lady of the Christ kabhi kabhi ye aapka ek phrase pucha jata hai ki who is known as the lady of Christ, to aap wahan pe जॉन मिल्टन पे टिक करोगे। जॉन मिल्टन इज नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज ऑफ हिज डेलिकेट फीचर्स, एंड ही वॉज एजुकेटेड एट द क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, एंड देयर ही गॉट दिस नेम, दिस टाइटल, द लेडी ऑफ क्राइस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव हियर, मिल्टन रोट एरियोपेजिटिका इन 1644 टू डिफरेंट पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैम्पलेट था, इम्पोर्टेंट वर्क था एरियोपेजिटिका, जो 1644 में उन्होंने लिखा है ये एरियोपेजिटिका, एक वर्क था, एक पैम्पलेट था जो पब्लिश करा था, एंड इट वॉज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज कॉलेज, उनको निकाल दिया गया था कॉलेज से, एंड दैट इज रिलेटेड टू द गॉड गिफ्टेड ऑर्गन ऑफ इंग्लैंड एंड माइटी माउथेड inventor of harmonies. This was said by whom? Who called Milton about this? And that was the Lord Tennyson, Alfred Lord Tennyson, the great Victorian poet, जो कि Victorian age के representative poet भी बोले जाते हैं ये। इन्होंने John Milton को बोला है God gifted organ, voice of England, and mighty mouthed inventor of harmonies because of the work he had written, because of the composition he had imparted, he had contributed to English literature. इसी वजह से इनको Lord Tennyson ने इस name से, इस title या इनको एक phrase पूरा dedicate किया है John Milton के लिए। चलिए next important fact की बात करते हैं, and this is related to the his important work on Shakespeare. On Shakespeare is an important work written in the year 1630 by John Milton. Is a 16-line poem. This is a 16-line poem. And this work is in praise of Shakespeare because John Milton was the great admirer of the Shakespeare's work. और Shakespeare की जो masterpiece थे, जो works थे, उसको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने praise करा हुआ है अपने इसी work में. That's why he had written this work that is called the On Shakespeare in the year 1630. So ये
फैक्ट्स आप नोट डाउन करते चलो. एंड इट इज एन 16 लाइन पोएम. नंबर अनदर वन वी हैव द एज ऑफ मिल्टन हैज बीन कॉल्ड द एरा ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी. यस, इनस्टेबिलिटी, दिस वॉज द एज ऑफ मिल्टन. जब मिल्टन ने अपना राइटिंग करियर या लिटरेरी करियर स्टार्ट किया, या 1608 से लेकर के 1674 का जो टाइम ड्यूरेशन था, दैट वॉज द एरा ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड इनस्टेबिलिटी. क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सिविल वॉर हुए, जो कि एक रूलिंग जो गवर्नमेंट थी दैट वॉज अनस्टेबलाइज्ड एट दैट टाइम, एंड दैट्स वाई दिस एज इज नोन एज द पोलिटिकल अनरेस्ट एंड इनस्टेबिलिटी. Is moving on to the next one we have here. Fame is the last infirmity of noble mind. This is the very famous line occurs in the poem Lycidas, which was a poem written by John Milton on the death of his friend Edward King. Fame is the last infirmity of noble mind. ये exam में कभी-कभी ये आपका quotation पूछा जा सकता है, क्योंकि mostly exams में यही होता है कि आपके किसी writer से, उनके work से related कोई quotation आपसे पूछ लेते हैं, और options में आपके पास होता है, तो आप confused मत होइएगा, उनके other works को भी उसमें mention कर सकते हैं, but this is taken from the work Lycidas, which is a elegy poem of John Milton. The word pandemonium was coined by John Milton as the name for the capital of hell in Paradise Lost. Pandemonium, जो एक hell capital of hell, एक building erect करते हैं Paradise Lost में, Satans and उनके जो companions होते हैं, when they were expelled from the paradise by God, तब इस coin को, इस word को, उनके जो capital of hell जो erect करते हैं वहाँ रहने के लिए hell में, तो इसको जो name दिया जाता है, that is pandemonium, and this is known as the capital of hell in Paradise Lost, and this word was coined. ये word जो था वो coined किया गया था, या आप कहोगे एक तरीके से invent किया गया था, by John Milton. Next one we have, in 1652, he became completely blind, and it was very unhappy thing that happened with John Milton. In the age of 44, in the year 1652, he became completely blind. और उसी time पे ये अपना work लिख रहे थे Paradise Lost. तो आपका, आप 44 age पे climb pick करोगे, आप count भी कर सकते हो. 1608 में इनका जन्म हुआ था, and 1652 he became completely blind. तो overall जो time होता है इसका, that is 44. At the age of 44, he became blind. Next one we have, his daughter helped him to finish Paradise Lost. Yes, because he became completely blind at the age of 44 in 1652, and she would transcribe the words that he was dedicated to her. Yes, this was the work जिनको complete करने में उनकी daughter ने उनको help किया था, complete that the epic poem Paradise Lost. Moving on to the next one, and we have here that in 1645, during the English Civil War, he published the poem of Mr. John Milton, in which there were his famous poems Allegro and El Penseroso published. Allegro, जिसका होता है meaning joyful man, and El Penseroso, जिसका होता है disappointing man या unhappy man. ये बात होती है इन दोनों की, and these two are the companion poems of the John Milton. ये companion poem थी John Milton की, जो कि 1645 में publish हुई है during the Civil War, और जो collection, जिस poem collection में publish हुई थी, that was Mr. John Milton. That was the poems of Mr. John Milton. ये poems of Mr. John Milton, इसका पूरा title था poems of Mr. John Milton, and it was published in the year 1645. और इसी year में, इसी volume में, on the morning of Christ's nativity, this poem was also published in the poems of Mr. John Milton in 1645, with the poems, other poems, El Allegro and El Penseroso. Moving on to the next one, and here we have the another important fact. Samson Agonistes is a poetic play that was written by John Milton. अगर Samson Agonistes की बात आती है, it is not a poem, it is a poetic play that was written by John Milton, the great epic poet and the great poet, the great statesman of the 17th century. Next one we have, the sequel of Paradise Regained was published in the year 1671,
एंड मिल्टन सुपरवाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ दिस वर्क इन 1674 जस्ट बिफोर ही डाइड. यस, क्योंकि 1674 में जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी. और जो सीक्वल था, जो पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल था, दैट वाज द सीक्वल नेम्ड टाइटल एज द पैराडाइज रीगेन्ड एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1671 में पब्लिश हुआ था. एंड मिल्टन सुपरवाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट वर्क पैराडाइज रीगेन्ड इन द ईयर 1674 एंड दिस इज द ईयर ऑफ द 1674 द डेथ ईयर ऑफ जॉन मिल्टन. एंड 1608 से लेकर के 1674 तक का टाइम ड्यूरेशन ये जॉन मिल्टन का है. एंड फ्रेंड्स, हियर वी हैड डिस्कस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिटरेरी करियर ऑफ जॉन मिल्टन. प्लीज आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 7838343836. दिस इज माय नंबर. यू कैन व्हाट्सएप मी देयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका जरूर रिप्लाई करूंगी. एंड साथ ही साथ जो भी आपकी क्वेरीज हैं या आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सो दैट की आई कैन क्रिएट अ न्यू वीडियो, न्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अनदर राइटर. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.